अंदर एपिसोड जय भद्रकाली। गाइस आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब परिवार में। काफी सारे लोग काफी देर से इंतजार कर रहे थे। एनीवेज गाइस वंस अगेन वेलकम 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 टू द अनदर एपिसोड। हिपोक्रेट, हिपोक्रेट का नाम सुनते के साथ ही हमारे दिमाग में सबसे पहला जो नाम आता है वो है अक्षय कुमार। थूक के चाटने का अगर किसी को अवार्ड दिया जाए तो वो सबसे पहले दिया जाना चाहिए अक्षय कुमार को। जी हाँ, थूक के चाटने के ये ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे अक्षय कुमार दो दोगले इंसान है और किस तरीके से लोगों की भावनाओं के साथ खेलते, किस तरीके से देशभक्ति के नाम पर लोगों के साथ खेलते खिलवाड़ करते हैं। आइए मैं आप लोगों को पूरा खंडन करके बताता हूँ। एक सेकेंड, पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसमें कि ये वीडियो देखिए। मुझे एक बात अच्छी लगी, मुझे कई ऑफर्स आते हैं, मैं आपको बताऊं, मुझे कई बड़े बड़े गुटखा कंपनी के ऑफर्स आते हैं कि करो। अच्छा। और अनगिनत सुनने वाले अमाउंट देने को तैयार होते, लेकिन बात उसकी नहीं है। आज इतना बड़ा एक लाइन यहाँ जुड़ा हुआ है, कहाँ गया, स्वस्थ भारत। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। तो उसके लिए मैं ये काम नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा, ठीक है जी। पीछे देखो, पीछे। देखे कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। रुको जरा, सबर करो। ये लीजिए, आ गया, आ गया तुम्हारा गुटखा की एड लेके, देख रहे हो, ये बात है। वाह, क्या सीन है। कर दिया ले भाई ने। तो दिल भी एक होने चाहिए। तो मेरे भाई, ये बंदे ने, एक सेकेंड, ये बंदे ने सबसे पहले बोला अपने ही अपने खुद के इंटरव्यू में कि मैं गुटके की ऐड नहीं करूंगा, मुझे लाखों करोड़ों रुपए लोग देते हैं फिर भी मैं गुटके की ऐड नहीं करूंगा। और यहाँ इसने इन दोनों को ज्वाइन कर लिया है। ये हमारे अजय देवगन को तो आप लोग पहले से ही जानते हैं, जाने जाने में केसर का दम, आपका अपना विमल देवगन। इसके तो दांत भी साले के गुटका वाले, गुटके का ब्रांड एम्बेसडर है ये। अब ये इसने भी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद अब ये भाई साहब भी आ गए ज्वाइन करने के लिए, इसने भी गुटका ज्वाइन कर लिया। अब विमल, अगर आप दुकान, अब काफी सारे लोग आएंगे और बोलेंगे कि ये तो इलायची है, इसमें विमल इलायची लिखा हुआ है। अक्षय कुमार ने भी यहां तक कि अपने इंटरव्यू में बोला कि भाई मैंने गुटके की नहीं, मैंने इलायची की ऐड करी है, वो विमल इलायची है। तो मेरे भाई, अगर आप पनवाड़ी के पास जाके विमल बोलते हो ना, तो वो आपको गुटका देता है, वो इलायची नहीं देता है। और ये अक्षय कुमार, हाँ पूरी दुनिया जानती है ये मिस्टर कैनेडियन कुमार है। अब जब लोगों ने इनको लताड़ना शुरू किया, लोगों ने ट्वीट करना शुरू किया, तो इन्होंने आके बोल दिया कि भैया मैंने तो इलायची की ऐड करी है और मैंने तो इलायची खाई थी। सेम टू सेम वैसे ही जैसे ही रणवीर सिंह और सारे क्रिकेटर्स रॉयल स्टैग की ऐड करते हैं और नीचे लिखा जाता है रॉयल स्टैग सोडा। भाई कहाँ मिलता है ये रॉयल स्टैग सोडा, हमें भी तो दिखा दो कहाँ मिलता है रॉयल स्टैग सोडा। रॉयल स्टैग के सिर्फ दारू आती है और सबसे घटिया क्वालिटी की चीप दारू आती है रॉयल स्टैग की, जिसे पी के हर साल कम से कम 1000-2000 लोग तो वैसे ही टहल जाते हैं। तो ये है हमारे सो कॉल्ड दोगले अक्षय कुमार, जो देशभक्ति के नाम पे कुछ भी चिपकाने पे लगे रहते हैं, चाहे टाइल्स की ऐड करे, चाहे मोटरसाइकिल की ऐड करे, हर जगह देश की मिट्टी से बनी टाइल, देश की मोटरसाइकिल। स्वच्छ अभियान चला तो बोल दिया कि मैं तो गुटके की ऐड ही नहीं करूंगा, मुझे तो करोड़ों रुपए लगते। ये मेरे मुंह से गाली निकल जाएगी, ये क्या है, ये नहीं, ये क्या बना रहा फिर, ये तेरा बाप गुटका नहीं है तो क्या क्या बेच रहा है, ये गुटका नहीं है तो मिल गए इनको भी करोड़ों अरबों रुपए, बेचो गुटका, करो देश की दुनिया। सही है भाई, लोगों ने इन्हें बॉयकॉट करके कोई गलती नहीं करी है। अक्षय कुमार हो चाहे शाहरुख खान हो चाहे अजय देवगन हो, लोगों ने इन्हें बॉयकॉट करके बहुत बढ़िया किया। अरे माफी मांगने का क्या मतलब है यार, ये कोई 12-13 साल का लौंडा है क्या, अबे बुजुर्ग हो चुका है, बुढ़ा हो गया, इनमें इतनी अकल नहीं है। माफी मांगने का क्या मतलब है, ऐड कर दी पैसा मिल गया, माफ करने का क्या, मैं कौन हूं माफ करने वाला, मेरे भाई मैं होता कौन हूं माफ करने वाला, आई एम नो वन। पब्लिक है, पब्लिक माफ करेगी, पब्लिक पब्लिक जाती है इनका इनकी फिल्में देखने के लिए, ये पब्लिक के साथ खिलवाड़ करते, मेरे साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर रहा, मैं तो गुटका खाता भी नहीं हूं मेरे भाई। जो गुटका खा रहे हैं उनके लिए बढ़िया, अरे अक्षय कुमार भी गुटके की एड में आ गया, अरे वाह अक्षय कुमार गुटका बेचता है, शाहरुख खान तो बेच ही रहा था, अजय देवगन भी बेच ही रहा था, अब ये अक्षय कुमार भी गुटका बेचने लग गए, वेरी नाइस।
बेचो, गुटखा बेचो, दारू बेचो, सिगरेट, सिगरेट की एड भी ये कर चुका है। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है। 90s में एक एड आती थी जिसमें सिगरेट की एड किया करता था ये। हम रेड एंड व्हाइट पीने वालों की बात ही कुछ और है भाई साहब। अभी एक एक करके सब सब अपनी औकात पे आ रहे हैं मेरे भाई। बोलो जुबान केसरी, सब अपनी औकात पे आ चुके हैं गुरु। बहुत बुरा, बहुत ही गलत हो रही है। बहुत मैंने कहा था ना ये भांड है, इन्हें पैसे दे के कुछ भी करवा सकते हो। तुम इनसे गुटखा बिचवा लो, क्या नहीं बेचते यार ये गंद से गंद जो मर्जी तुम। वो तो बेटा ड्रग्स इलीगल है, वरना ये तो ड्रग्स भी लीगली बेच दे। ये इतने हड हराम है, इन्हें फिल्में करने से कोई इंटरेस्ट नहीं। फिल्में इनकी दो कौड़ी की चल नहीं रही है, एक के बाद एक सबकी फ्लॉप होती जा रही है। शाहरुख की भी फ्लॉप जा रही है, अभी पठान आ रही है वो भी सुपर फ्लॉप ही जाएगी। अभी राजू हिरानी के साथ पता नहीं धुन की करके आ रही है, वो भी फ्लॉप जाएगी। अक्षय की तो सारी लगातार फ्लॉप जा ही रही है, आगे भी फ्लॉप ही जानी है। कौन सी हिट चली जानी है, आगे भी फ्लॉप ही जानी है भाई। इसकी फिल्में सारी की सारी देखते जाओ तुम। ये इनके कर्माज है जो इनके सामने आ रहे हैं। जिस तरीके से ये गुटखा बेचते हैं, दारू बेचते, शराब सिगरेट बेचते हैं ना ये ऐड कर करके, इनके दिन पूरे हो चुके हैं मेरी जान, इनके दिन पूरे हो गए हैं। ये सबसे बड़ा हिपोक्रेसी की सारी सीमाएं लांघने वाला ये अकेला अक्षय कुमार भाई साहब। इस पे तो लोगों को इतना भरोसा होता था कि ये अच्छा काम करता है। 4 बजे उठ के लोगों में बता रहा, मैं 4 बजे उठता हूँ, मैं फिटनेस पे इतना ध्यान देता हूँ, वो ध्यान देता हूँ। घंटे का फिटनेस पे ध्यान दे रहे, तुम तो साले गुटखा बेचने पे आ गए। वो तो जब ये हाल है, जब इनके बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस है, इनकी फिल्में लगातार एक के बाद एक, साल में 4-4, 5-5 तो फिल्में कर रही है ये आदमी, उसके बाद और एड भी कर रहा है, शोज भी कर रहा है, और अब प्रोड्यूसर बन के कमा रहा वो अलग, और अब ये देखो गुटखा बेचने पे आ गए भाई। घंटे की फिटनेस है, काहे के 4 बजे उठ रहे हो। अमित जी ने भी ऐड करी है भाई साहब, लपेटो अमित। अमित अमिताभ बच्चन इतना बड़ा नाम, अमिताभ बच्चन लेजेंड, बुढ़ापा और निकल गया भाई साहब उनका, सारा जिंदगी बीत गई उनकी नाम कमाने में। गुटके की ऐड करके 1 सेकंड में सब मट्टी पलित कर दिया उनका। कौन है इनका फैन, कौन बनना चाहेगा ऐसे गुटका बेचने वालों का फैन? तुम ही बनो भाई, तुम ही बनो इनके फैन। हमसे ना हो पाएगा, हम ना कर सके भाई। ये लोग है यार कोई अक्षय अमिताभ बच्चन बताओ, इतना बड़ा नाम ये लोग यार गुटका बेचते हैं यार। हेल यार, थू है भाई, गुटका खा के अपने मुंह पे थूक लो यार। कितने गंदे हैं यार ये लोग, कितने दोगले लोग हैं यार, कितने घटिया लोग हैं। ऐसे लोगों के तुम फैन बन जाते हो यार कि ओ कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा एक्टर, कितनी अच्छी काहे की घंटे की एक्टिंग है यार। ये गंदे हैं यार, ये गंदे हैं भाई। मैं कभी कसम खा लो, जिंदगी में कभी इनकी फिल्में देखने मत जाना ना। अक्षय हो चाहे शाहरुख हो चाहे सलमान, कोई भी इनकी फिल्म मत देख लेना गलती से भी यार। आमिर भी बना देगा भाई जल्दी, कोई दिक्कत नहीं। अमिताभ बच्चन जैसे ने तक ने बना दी, और क्या नाम है तुम्हारा, रणवीर सिंह बना चुका है गुटके। उसको तो बहुत, तो भाई वो तो सबसे बड़ा भांड है भाई। वो उससे तो कुछ भी करवा लो तुम पैसा दे के, उससे तो कुछ भी करवा सकते हो तुम पैसा दे के भाई। जब ये इतने बड़े बड़े एक्टर कर रहे हैं, वो तो फिर भी छोटे लेवल का है। उसकी भी फिल्म आ रही है, उसका भी मैंने रोस्ट किया। जयेश भाई कतई बेकार, आप जाइए जाके उसका रोस्ट वीडियो जरूर देखना, और मुझे कमेंट में बताना अगर वीडियो आपको कैसा लगा। काफी देर से एक बंदा सवाल पूछा जा रहा है कि इंस्टाग्राम, तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं, इंस्टाग्राम एक तरीके की बीमारी है। इंस्टाग्राम पे आजकल बहुत ज्यादा उल्टा सीन चल रहा है। जो लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करने वालों को कोई नहीं पूछता, सिर्फ आजकल नंगपना चल रहा है। बदन दिखाओ, लाइक्स लो, फॉलोअर्स बढ़ाओ, सिर्फ ये चल रहा है। मेहनत करने वाले का कुछ नहीं चल रहा, और मुझे उस गंदगी का हिस्सा बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब तक वो अच्छा था तब तक ठीक था। अब सारे टिकटॉकर्स रील्स बनाने में भर गए हैं। इंडिया में इंस्टाग्राम का लेवल बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है। ये एक बीमारी है। घड़ी 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 जब आपके हाथ में होता तो घड़ी घड़ी बिना किसी मतलब के आप इंस्टाग्राम के रील्स बना रहे हो। क्यों बना रहे हो? आपको पैसे मिल रहे हैं, प्रमोशन मिल रहे हैं, घर में बैठे बिना मतलब में टाइम पास करे जा रहे हो। क्यों कर रहे हो? किस लिए? आपके पास इतना टाइम है वेस्ट करने के लिए कि आप घर में बैठ के आप जबरदस्ती की रील बना के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? ठीक है, आपको प्रमोशन मिले कुछ लोगों को तो अलग बात है। इंस्टाग्राम अठन्नी भी नहीं देता किसी को भी, बस लोग लगे पड़े हैं, लोग लगे पड़े हैं जबरदस्ती बनाने में, रील डालने में, जबरदस्ती स्टोरी। क्या लॉजिक क्या है उसका? कुछ मिलता है? वो सोफिया अंसारी जैसे को देखो क्या डालती है वो कॉन्टेंट, उसके कितने मिलियन में है, मिलियन में फॉलोअर्स है। इट्स द वर्स्ट, नंगपना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ नंगपना रह गया और कुछ भी नहीं है। मेहनत करने वालों को कोई लाइक कमेंट्स कुछ नहीं मिलते। चिढ़ने वाले लोग ज्यादा रहते हैं, जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनसे तो लोग चिढ़ते हैं, उनसे लोग बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं। लड़की हम है नहीं, लड़कियों को मिलते हैं धड़ाधड़, लड़कों को तो वो भी कुछ नहीं मिलता। लड़कों से तो चिढ़ने वाले, अरे बॉडी भी यही बना के आ गया है, कपड़े भी ढंग के यही पहन लेगा, रील भी यही बना लेगा, तो इसको हम लाइक क्यों भेजें? हम नहीं भेजेंगे। और ये एक बीमारी है। आप लोगों को भी मैं बता दूं, प्लीज इस बीमारी से जितना हो सके उतना दूर रहें। अपना टाइम प्रोडक्टिव टाइम बनाएं, उसमें कुछ काम करें, कुछ मेहनत करें,
इसमें कुछ नहीं मिलना। कभी आप लोगों को लगेगा कि 50,000 से ज्यादा की आईडी को मैंने डिलीट किया, मैंने डीएक्टिवेट किया, आप लोगों को लगेगा कि अरे 50,000 की आईडी बन जाएगी तो बहुत सारे प्रमोशन मिल जाएंगे, सब मिल जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बहुत प्रमोशंस मिल जाएंगे, कुछ नहीं मिलता। गिने चुने ले दे के, गिने चुने एक महीने में कोई एक या दो आ गए, उसके लिए आप पूरा टाइम आप अपना इंस्टाग्राम को नहीं दे सकते हो। और कचरा है, सिर्फ कचरा है। गंदगी को लोग फॉलो करते हैं, जनरली लोग मेहनत को फॉलो नहीं करते हैं। कोई भी लड़की आप देख लो, कितने भी अच्छे पोस्ट डाल ले, कितनी मेहनत के पोस्ट डाल ले, उसको लाइक नहीं आएंगे। अरे थोड़ा सा दिखाओ, नीचे करो, इधर करो, उधर करो, तब आपको लाइक्स, कमेंट, सब फॉलोअर सब जुड़ने शुरू होते हैं। क्योंकि इंस्टाग्राम ठरकी लोगों से भरा पड़ा है। अगर इंस्टाग्राम पे ठरकी लोग नहीं होते ना, तो ये सोफिया अंसारी जैसे को इतने इतने मिलियन फॉलोअर्स नहीं होते। अच्छा पहले क्या होता था, अगर आप छोटा सा एक एग्जांपल लेके बताता हूं, अगर कोई लड़की कहीं रेस्टोरेंट में बैठी है, कहीं दूर से किसी लड़के ने उसका फोटो क्लिक कर लिया, तो लड़की जाके उसको डांटती थी कि तेरी हिम्मत कैसे होगी मेरी फोटो क्लिक करने की, जबकि वो लड़की खाना खा रही है उसके फोटो क्लिक, तेरी हिम्मत कैसे होगी। आज अगर कोई लड़की खुद ही अपने फोटोज डाल रही है और कोई लड़का स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में रख ले रहा है, तो उसके लिए तो इजी काम हो गया। हो गया कि नहीं हो गया इजी? जो लड़का उसकी फोटो क्लिक नहीं कर सकता, आज खुद ही आप टेढ़े मेढ़े अपने फोटोज डाल के ओपनली डाल देते हो, और उसके बाद वो लड़का अगर आपके फोटोज को स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन में रखे, चाहे जो भी करे वो उनके साथ, व्हाटएवर, कुछ भी करे, उसकी शक्ल चेंज करे या एडिट करके जो भी उसके साथ छेड़छाड़ करे, रिस्पॉन्सिबल कौन है? एक मिनट में दूसरे पेज बन जाते हैं ढेर सारी लड़कियों के नाम से, आधे से ज्यादा तो फेक अकाउंट है। जो रियल है उनको ये बात पता ही नहीं है कि उनके नाम से दुनिया भर के फेक अकाउंट लोग चलाते हैं, और पता नहीं लोगों को चलाने में मजा क्या आता है। मैंने पहले भी कमेंट किया था, जम्मू आओ, और श्योर ब्रो, श्योर डेफिनेटली। तो भाई मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि बस इस बीमारी से बचे। जिनका दो तरह के लोग इंस्टाग्राम पे इंजॉय करते हैं बस, एक वो जो खाली लोगों को देख रहे हैं, जिनके 150-200 फॉलोअर्स होंगे, जो सिर्फ दुनियादारी को देख रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि चल अरे इसने ये डाल दिया, ये हॉट डाल रही, इसका ये पंगा हो गया, चलो देख लेते हैं। दूसरा वो जिसके बहुत सारे फॉलोअर्स है, जिसको प्रमोशंस मिलते हैं, जिसको पैसे मिल रहे हैं, ये दो तरह के इंजॉय कर रहे हैं लोग। ये जो बीच की कैटेगरी में है ना, जो जबरदस्ती, जैसे कि मैं भी बीच की कैटेगरी में जो लटक रहे हैं, जो रील बनाने में इतनी इतनी मेहनत करते हैं, हाँ पोस्ट डालते हैं, और उसके बाद हमारा सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि एक पोस्ट को डालने में कम से कम एक घंटा चला जाता है, तो वो टाइम सारा वेस्ट हो गया। हमको मिला क्या? दुनिया का मजा, लोगों को लिए एंटरटेनमेंट है वो। आप कुछ भी डालो लोगों के लिए तो एंटरटेनमेंट है, लेकिन बदले में आपको क्या मिल रहा है? घंटा बाबा जी का, हमें तो कुछ नहीं मिल रहा ना। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, कुछ प्रोडक्टिव करो, संडे है, कुछ प्रोडक्टिव करो, अच्छा करो, या इस तरीके के हिपोक्रेसी से बचो। इन लोग ऐसे कच्चा बादाम वाली है, कच्चा बादाम भाई मैंने नहीं करा, मतलब ऐसे ऐसे इंस्टाग्राम लोगों को इतने तरीके से चूतिया बनाता है ना, कुछ भी वीडियो को वायरल कर देगा और लोग उसी म्यूजिक को उठा के मटकना शुरू कर देंगे, कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। ये देखो लोगों का दिमाग कितना ठस कर दिया इंस्टाग्राम ने, कितना ज्यादा ठस कर दिया लोगों का दिमाग, कि कुछ भी म्यूजिक उठा के वायरल हो गया तो लोगों को ये नहीं मतलब है कि ये अच्छा है बुरा है, नहीं, बस बनाने से मतलब है, बस वीडियो बनानी है क्योंकि ये म्यूजिक वायरल है, हमें पसंद है या नहीं, मतलब लोगों के अंदर इतनी भूख बढ़ चुकी है ना एक्टिंग को लेके, मॉडलिंग को लेके। अरे करना है तुम्हें, सीरियसली एक्टिंग करनी है, मॉडलिंग करनी है, जाओ ना तुम इंडस्ट्री में, ऑडिशंस दो, क्रैक करो, जाओ। ये घर में बैठ के जबरदस्ती की एक्टिंग करने का क्या लॉजिक है? घर में बैठ के एक्टिंग करनी है, पोजेस बना बना के, ये फोटो तुम्हें इतनी मॉडलिंग का शौक चढ़ रहा, तो जाइए कोई एजेंसी ज्वाइन करो, वहां जाके मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन कर लो, मॉडल्स को कॉपी क्यों करना है जबरदस्ती। सो एनीवेज गाइज, आप लोग भी इस बीमारी से बचे, और ऐसे हिपोक्राइट जो ये जो लोग है, अक्षय, शाहरुख, सलमान, अजय, भजय, जितने भी है, इनसे बचे, इनकी फिल्मों को बॉयकॉट करना आप लोगों को पड़ेगा। ये लोग गुटखा दारू की ऐड करते हैं, नथिंग एल्स। और आप लोगों को मुझे फॉलो करना है तो आप लोग मुझे यूट्यूब के थ्रू फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज आई एम नो मोर ऑन इंस्टाग्राम गाइज। आप लोग कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, हम लोग यूट्यूब के थ्रू ही आप लोगों से जुड़े रहेंगे। यहाँ पे भी सब कुछ कमेंट्स आते हैं, मैं काफ़ी लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ, तो प्लीज़ आप जितने भी अक्षय कुमार के फैंस हैं, ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर शेयर करना। थैंक यू गाइज, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद, मिलते हैं अगले एपिसोड में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।